प्रदेश की जबलपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। इससे पहले की खबरों पर विस्तार से चर्चा करें, आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बस ऑपरेटर्स की हड़ताल तीसरे दिन खत्म, बस किराए में 24% की वृद्धि। छिंदवाड़ा मंडी में चना खरीदी बंद हो जाने से किसान आक्रोशित, बाजारों को सड़क पर जलाकर जताया है। छिंदवाड़ा में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, जनता की जेब पर डाका डालने की धमकी। नर्सिंग होम में 8 महीने की बच्चे की गलत इंजेक्शन लगने से मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में 1 जून को होने वाले तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन जिला मुख्यालय में नहीं बल्कि किसी ग्रामीण अंचल में होगा। इसके संकेत प्रशासनिक अधिकारियों के दौरे से मिले हैं। बुधवार को कलेक्टर वेद प्रकाश और SP समेत अन्य अधिकारियों ने बिछुआ, मुखेड़ा, सारंगबेरी और जाखावाड़ी पहुंचकर कार्यक्रम स्थल की तलाश की। कलेक्टर ने कहा कि 1-2 दिन में CM का कार्यक्रम स्थल फाइनल कर लिया जाएगा। इससे पहले कलेक्टर ने सभी DFO, जिलाधिकारी, राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक लेकर चर्चा की। इस दौरान कलेक्टर ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और विकास योजनाओं से भी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने की बात कही। उन्होंने तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि, चरण पादुका और पानी की कुप्पी के साथ ही महिलाओं को साड़ी भी प्रदान करने की व्यवस्था करने को कहा। छिंदवाड़ा में बस ऑपरेटर्स की हड़ताल तीसरे दिन सहमति के बाद खत्म हो गई। परिवहन विभाग और बस ऑपरेटर्स के बीच इस बात पर सहमति बनी कि बस किराए में 24% की बढ़ोतरी की जाएगी। 10% किराया तत्काल और बाकी 14% किराया 1 महीने के अंदर बढ़ाया जाएगा। विभाग ने भी इस पर सहमति देते हुए आगामी बैठक कर राजपत्र में प्रकाशन की बात बस ऑपरेटर्स से कही है। भोपाल में चली बैठक में मुख्यमंत्री, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और जबलपुर सभा के बस ऑपरेटर शामिल हुए। बैठक में सहमति बनने के बाद शाम से बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। आज के अनुसार नागपुर के लिए अभी 120 रूपए देने होते थे, जबकि 10% वृद्धि के बाद 132 और भोपाल के 350 की जगह 385 रूपए किराया देना होगा। वहीं हड़ताल खत्म होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अनाज के परिवहन का काम कछुए की चाल चल रहा है। चौराहे की हरनाखेड़ी समिति में 6 दिन बाद एक ट्रक समिति के केंद्र में पहुंचा, जबकि समिति ट्रांसपोर्टर ने कम से कम 10 ट्रक भेजने की बात कही थी। समिति प्रबंधक का कहना है कि अभी समिति के पास मैदान में 19,000 क्विंटल गेहूं रखा है जिसका परिवहन होना है। समितियों के कर्मचारी बेहद परेशान दिख रहे हैं। उनका कहना है कि गेहूं खरीदे, उसे बारिश से बचाए या फिर रात में अनाज की सुरक्षा करें। परिवहन यदि इसी गति से चला तो अनाज उठने में 2 महीने लग जाएंगे। समिति प्रबंधक विनीत बंदेवार ने बताया कि रोज ट्रांसपोर्टर को फोन लगाकर गाड़ी भेजने के लिए हम कह रहे हैं। वहीं समिति के प्रभारी सुनील मालवी ने बताया कि मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम के स्थल को देखने आए कलेक्टर ने यहां समिति में खरीदे और मैदान में रखे गेहूं को देखा। जानकारी लेने के बाद उन्होंने फोन पर अधिकारियों को निर्देश दिए।
छिंदवाड़ा में पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर महिला कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडा लेकर पहुंचे। यहां पर नेताओं ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना की। शहर अध्यक्ष पंकज शुक्ला, महिला अध्यक्ष सतवंत कौर सहित अन्य नेताओं ने संबोधित कर कहा कि भाजपा की सरकार जनता की जेब पर डाका डाल रही है। डीजल और पेट्रोल पर 45% से ज्यादा टैक्स लग रहा है। इनके महंगे होने के कारण लोगों की जरूरतमंद सभी चीजें, परिवहन और यात्रा किराए में वृद्धि हो रही है। इससे आम आदमी आर्थिक रूप से परेशान हो रहा है। आम जनता से कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा के नेता झूठ कह रहे हैं कि तेल कंपनियों पर उनका दबाव नहीं है। बाजार में मोदी जी के राज में लुट गए, बाजार में मोदी जी के राज में लुट गए, बाजार में जय जय कमलनाथ, जय 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 कमलनाथ, जय 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 कमलनाथ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में की गई बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने सियोरा में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कुतौला तिराहा यानी सात पर प्रधानमंत्री के पुतला दहन के दौरान कांग्रेसियों की पुलिस से तीखी झड़प हुई, लेकिन झड़प के बीच कांग्रेस ने पीएम का पुतला फूंका। सियोरा मंडलम अध्यक्ष संदीप व्यवहार और कुतौला मंडलम अध्यक्ष पवन सोनी के संयोजन में पेट्रोल डीजल के दामों में मनमाने तरीके के दाम बढ़ाने के विरोध में कुतौला मोड़ स्थित पेट्रोल पंप के सामने नुक्कड़ सभा के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए। नुक्कड़ सभा में वरिष्ठ कांग्रेसी प्रकाश पुरारिया ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को केंद्र सरकार की जनता के साथ दमनकारी नीति बताया। सभा के बाद कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी। भारी वाहनों का प्रवेश अब सरकार तिराहे के आगे मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पीछे वाले रास्ते से होगा। इंदिरा तिराहा तक का रास्ता वन वे किया जा चुका है। छिंदवाड़ा विकास खंड की ग्राम पंचायत सुसरे में पेयजल समस्या के चलते ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इस गांव में गौण खनिज मत से पाइपलाइन स्वीकृत है, फिर भी पाइपलाइन नहीं डाली जा रही है। सरपंच विजय रघुवंशी ने बताया कि लगातार 6 महीने से चक्कर लगाने के बावजूद ग्रामीणों को सुलभ तरीके से पेयजल नहीं मिल पाया है। इसे लेकर ग्रामीणों का दल कलेक्टर के पास पहुंचा और पाइपलाइन उपलब्ध कराने की मांग की।
इसके साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि पानी की समस्या को जल्द ठीक नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। कौन से गांव से आए हो और क्या समस्या लेकर आए आप लोग? मैं सरपंच विजय सिंह रघुवंशी, ग्राम पंचायत सुसरई से। हमारे गांव में खनिज शाखा से जीआई पाइपलाइन स्वीकृत हुई है 1800 मीटर। क्योंकि एक महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं और गांव में पेयजल के पुराने स्रोत पूरे सूख चुके हैं। माचागोरा नहर के नीचे हमने नया स्रोत बनाया है, उसमें पर्याप्त पानी है। पीएचई और शासन की लापरवाही के चलते हम इतने लेट, एक महीने से चक्कर मार रहे हैं। कंपनी को पाइपलाइन का सप्लाई का आर्डर भी हो चुका है, ठेकेदार को ठेका हो चुका है, पर अभी तक हमारे यहाँ पाइप गड़े नहीं हैं। हम लोग सब कलेक्टर साहब को इस विषय में आवेदन देने आए। तो इससे पहले भी कई बार आवेदन दे चुके हैं? इससे पहले कई बार, 6 महीने से हम रेगुलर पिछले वर्ष 1 साल से लगातार प्रयासरत हूँ पाइपलाइन के लिए। तो पीएचई से कोई पाइप नहीं मिल रहे थे, फिर हमने खनिज शाखा से ये पाइपलाइन स्वीकृत करवाई है और पिछले 1 वर्ष से इसी समस्या को लेकर हम लगातार प्रयासरत। तो गांव वाले पानी कहाँ से भर रहे हैं? गांव वाले अभी बहुत कम से कम 1 किलोमीटर दूर से अपने अपने स्वयं के कुएं से और अन्य स्रोत से पानी। जबलपुर के धुआंधार में एक युवती ने आत्महत्या करने के लिए नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों का शोर सुनकर पुलिसकर्मी और गोताखोर मौके पर पहुंचे और नदी से युवती को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि युवती का परिवार वालों के साथ विवाद हो गया था, जिसके बाद वो घर से आत्महत्या करने के लिए यहाँ आई थी और नदी में छलांग लगा ली थी। वहीं पुलिस की सूचना पर परिजन थाने पहुंचे और पुलिस ने पूछताछ के बाद युवती को परिजनों को सौंप दिया। तो पकड़ के रखे ना, तो और कूद जाएगी नहीं। तो जबलपुर में बदमाशों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मानुताल निवासी अशोक परिवार के घर पर उनकी बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। उसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने फिर अशोक के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। अशोक परिवार के बेटे ने बताया कि मानस उपाध्याय बजरंग नगर निवासी मिंटू और चिंटू से मारपीट हुई थी, उन लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। वहीं पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए पत्रिका मध्य प्रदेश के साथ।